बुधवार देर शाम शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम बांगलिया के जंगल में जला हुआ एक अज्ञात शव मिला है। मामले की जानकारी लगते ही बड़गोंदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू की। इधर गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के ग्रामीण से पूछताछ की। घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी भागवत सिंह विरदे, एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने, डीएसपी दिलीप चौधरी और बड़गोंदा थाना प्रभारी अमित कुमार ने अपने बल के साथ जंगल में सर्चिंग की। इसके साथ ही जंगल में जाने वाले मार्ग पर कुछ जगह लगे सीसीटीवी भी देख रही है। एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने बताया कि पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि शव महिला का है या पुरुष का। इसके साथ ही तहसील के थाना क्षेत्रों में हुई गुमशुदगी के मामले भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल शव का अधिकांश हिस्सा जला हुआ है, जिसे पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। मामलिया के जंगल में एक लाश किसी ने जलाई है, जिसमें हरे धुआं होता है और कुछ उसका कंकाल वगैरह पड़ा हुआ है। इस पर से मामलिया के जो पूर्व सरपंच के द्वारा थाना को सूचना दी गई। इस पर से थाने के बल में जाकर वहाँ पर चेक किया तो एक डेड बॉडी अभी जल्दी स्थिति में उसका कंकाल बचा हुआ था वहाँ पर था। उसको मौके से जो भी चीजें थी उसको जब्त किया गया है। अभी ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कौन है, पुरुष है, कौन महिला है, जाँच की जा रही है और किस व्यक्ति की ये डेड बॉडी है, इसको जलाया गया और किन लोगों के द्वारा किया गया है, इसके बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। महू से अंजीत मुरुबाथम की रिपोर्ट।